थाना रामगढ़ क्षेत्र के अजमेरी गेट पर नगर निगम के वार्ड नंबर 56 के पार्षद इरशाद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर जा रहे थे, तभी वहां मौजूद लुटेरों ने उन्हें रोक लिया और उनकी कमर पर तमंचा सटाकर बोले कि तुझ पर जितना सामान है वो मुझे दे दे, नहीं तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। पार्षद इरशाद ने डर की वजह से सोने की अंगूठी और मोबाइल सामान लुटेरों को दे दिया। फिर पार्षद द्वारा थाना रामगढ़ में तहरीर दी गई, जिसके आधार पर रामगढ़ पुलिस और एसओजी की टीम ने 4 लुटेरों को इसमें गिरफ्तार किया है, जिन्होंने ये कबूल किया है कि उन्हीं ने इस घटना को अंजाम दिया था। मैं रात को शादी में से लौट के आ रहा था, मेरी शाली की शादी थी, अलीगढ़ से लौट के आ रहा था, कार से आया था कश्मीरी गेट से, मेरी बाइक खड़ी थी, बाइक लेकर कश्मीरी गेट से अपने घर जा रहा था। रास्ते में आकाशवाड़ी रोड पर मेरे साथ 3 लोगों ने घटना की, वो 3 लोग जहाँ पर मौजूद हैं, मेरे साथ मुझे रोका, मेरे साथ मेरी पत्नी थी, 2 बच्चे थे, मेरे तमंचा लगा दिया और मेरे साथ लूटपाट की उन्होंने, और मैंने ज़्यादा उनसे हत्या पहुँचे की तो उन्होंने मेरी गोली मारने की गई, तो मेरी पत्नी मेरे साथ में थी, उन्होंने रो कर कहा आप जो चाहिए ले जाइए, गोली मत मारिए, तो उन्होंने लूटपाट की। लूटपाट करने के साथ मेरी जो चीज़ थी वो सब बरामद हो गई है और मेरा फ़ोन भी मेरा बरामद हो गया है। इसके लिए मैं हमारे पुलिस प्रशासन को शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से, और हमारे SHO रामगढ़ साहब उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने पूरी मेहनत लगाकर ये पूरा सफलता प्रयास करी है, और रियलिटी ओरिजिनल है, जिसने घटना की है वो ये ओरिजिनल खुली है घटना, वो इसमें फर्जी नहीं है। ये 19/11 को रामगढ़ थाना क्षेत्र में रात में एक लूट हो गई थी। ये सभासद हैं वार्ड नंबर 55 के, पार्षद हैं 55 के, इनको 56 वाला जो है ये मुलजिम, ये इसने रात में लूट लिया। अपनी पत्नी के साथ आ रहे थे शादी वादी से रात में 2 बजे के आसपास, तो बड़ी सनसनीखेज घटना थी। हम लोग बहुत परेशान थे कि जनप्रतिनिधि हैं, जब ये सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कैसे बात बनेगी। काफ़ी दबाव था हमारे ऊपर, कहने की बात नहीं है, फिर भी हमारी टीम लगी, SO रामगढ़, हमारी SOG की टीम प्रशांत, COCT और SPCT तो रहते ही हैं सब में, इसमें मेरा कोई बहुत योगदान नहीं है, लेकिन इन लोगों ने, हमारी टीम ने बहुत अच्छा किया, हमसे बताते रहे कि मैं जल्दी कर दूँगा। मेरा यही कंसर्न था कि अगर पार्षद अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम क्या जवाब देंगे, तो इन लोगों ने मेरी बात का सम्मान रखा और ये पूरे चारों ये आपके सामने खड़े हैं, वही मोबाइल, वही कट्टा भी वही है, पार्षद भी पहचान रहे हैं, इधर आ जाइए पार्षद जी, जी ये भी पहचान रहे हैं उस बात को जी। और सबसे बड़ी मेरा ये की रहता है थ्रस्ट कि मुलजिम सही जाए, घटना देर से खुले ना खुले कोई बात नहीं, खुले तो सही खुले, और टच उट यहाँ सारी घटनाएँ खुली हैं, इधर घटनाएँ हुई नहीं, तो मीडिया वाले कह रहे थे मुलाकात नहीं हुई मुझसे, तो इधर घटनाएँ रुक गई थी, भगवान करे रुकी रहे, तो एक इन्होंने दुस्साहस किया है ये भी जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अब जल्दी कोई घटना करने का हिम्मत नहीं करें।